दोस्तों, आज जिस बिजनेस की चर्चा मैं आपसे करने वाला हूं उसके अंदर आप बिल्कुल मेहनत करने वाले नहीं हैं, जबकि आपको प्रतिदिन 21,000 रुपए तक की अर्निंग आपको होने वाली है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप कुछ नहीं करके एक दिन में 21,000 रुपए कमा रहे हैं तो फिर ये बिजनेस, ये कारोबार आपके लिए कैसा हो सकता है। बहुत बड़ा कारोबार है। शुरू करने के लिए पूंजी भी आपको मामूली लगानी पड़ेगी। क्या पूंजी है, पूरी जानकारी, क्या बिजनेस है, सभी मैं आपको देने वाला हूँ। दोस्तों, आप एक बात बताइए, एक टाइम था जब लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाना होता था, उसी टाइम पे टैक्सियां चलती थी। क्या करते थे लोग, टैक्सी वाले को बुलाते थे। आज के दौर में भी वही कार्यक्रम चल रहा है। क्या करते हैं लोग, टैक्सी को बुलाते हैं, भाड़ा करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। अब तो शेयर्ड टैक्सी चलता है कि एक टैक्सी के अंदर 4 लोग 5 लोग बैठते हैं, जिनको जहां जाना होता है पैसे देकर उतर जाते हैं। जबकि ऐसा भी होता है कि रिजर्व करके लोग जाते हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि 20 किलोमीटर जाना हो, 25 किलोमीटर जाना हो, 10 किलोमीटर जाना हो, कुछ ऐसे एरिया में जाना हो जहां पर शेयर टैक्सी नहीं चलती है, वहां पर लोग भाड़ा करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए एक व्यक्ति हैं भविष्य अग्रवाल, उन्होंने ओला नाम के एक संस्थान की स्थापना करी थी। उसके तहत उन्होंने क्या किया, वही टैक्सी, वही ड्राइवर, वही ग्राहक, तीनों को एकजुट कर दिया और फिर एक नया बिजनेस निकल के सामने आ गया। हालांकि उबर नाम की कंपनी ऑलरेडी विदेशों में चल रही थी, उसके बाद ओला की शुरुआत भारत में की गई। अभी ये दोस्तों ओला सिर्फ भविष्य अग्रवाल कर सकते हैं क्या, या फिर आप भी इसको शुरू कर सकते हैं, क्या पैटर्न हो सकता है शुरू करने का, ये बहुत भोकाल बिजनेस कितने पूंजी में शुरू हो सकती है, पूरी जानकारी आज के इस एपिसोड में आपको मिलने वाला है। दोस्तों, आपको इसमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, राइडर, ड्राइवर, कार वाले की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद आपको दोस्तों कस्टमर्स की आवश्यकता पड़ेगी, एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, सभी मैं बताता हूँ। सबसे पहले बताऊँ कि आपको जो ड्राइवर्स होंगे, जो कार वाले होंगे, आपको कार खरीदना तो है ही नहीं, जो कार वाले हैं उनको ही अपने साथ रजिस्टर कर लेना है। तो आपको सबसे पहले किसी एक ओला ड्राइवर से बात करनी है, उनसे एक राइड आप बुक कीजिए, वहां से लेकर के 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर की दूरी का एक राइड बुक कर लीजिए, उनके साथ कार में बैठ जाइए। जब आप उनसे बात कीजिएगा, वही बता देंगे कि जितने भी सर्विसेज मार्केट में चल रही हैं सबके साथ वो जुड़े हुए हैं। उबर टैक्सी के साथ भी वो जुड़े हुए हैं, ओला टैक्सी के साथ जुड़े हुए हैं, और भी जितनी भी कंपनियां चल रही होंगी उस लोकल शहर में, बहुत सारी कंपनियां अगर चल रही होंगी, सबके साथ वो जुड़े रहते हैं। यानी जिनका भी ग्राहक उनको कॉल करता है, वो टैक्सी वाले उनको उठाते हैं, लोकेशन पे उनको जाके ड्रॉप कर देते हैं। तो वो आप अगर लॉन्च होइएगा मार्केट के अंदर अपनी कंपनी के साथ, आपके साथ भी वो जुड़ेंगे। यानी आपको ड्राइवर्स की कार वालों कमी नहीं होने वाली है। ऑलरेडी मार्केट में जो कंपनियां चल रही हैं उनके ही ड्राइवर्स का, कार्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अभी दोस्तों ग्राहक कैसे आएंगे, कैसे वो समझेंगे कि इस नाम से भी एक संस्थान चल रही है, इसके एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो। तो उसके लिए दोस्तों आप प्रचार कर सकते हैं, नो पार्किंग बोर्ड बनाकर जो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, मकानें हैं, अपार्टमेंट्स हैं, उनके गेट पर आप लगा सकते हैं, डॉग है इस मकान के अंदर, इस तरह का पोस्टर बना करके, एक गत्ता आता है प्लास्टिक आप देखते हुए, बड़ा अच्छा कटिंग करके उसको तार के माध्यम से वहां पर बांध देना होता है। उसके बाद दोस्तों बैनर हो गया, कैलेंडर हो गया, बहुत सारी चीजें हैं जिसके माध्यम से आप प्रचार कर सकते हैं। यूट्यूबर्स का भी सहारा लेकर आप उनसे प्रचार करवा सकते हैं। अभी दोस्तों मैं पूरे प्रॉफिट प्लान को बता देता हूं कि आप क्या अर्न करने वाले हैं। दो चीज तो मैंने आपको बता दिया, राइडर्स यानी ड्राइवर्स कहां से मिलेंगे, कार वाले कहां से मिलेंगे वो मैंने आपको बता दिया है, ग्राहकों को आप कैसे अट्रैक्ट करेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया है। शुरुआत में हो सकता है कि धंधा थोड़ा मंदा चले, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, अगर 1 साल का समय लेकर, 6 महीने का समय लेकर भी अगर धंधा मोशन में आ जाता है, पिकअप में आ जाता है, तो भी बेस्ट नहीं दोस्तों, बहुत ही ज्यादा बेस्ट बात है, इसके लिए कोई डाउट नहीं है। क्योंकि साल भर के बाद आपका बिजनेस ग्रो करेगा, प्रतिदिन 20-21,000 रुपए तक की अर्निंग होगी। इनिशियल महीने की मैं बात बता रहा हूं, जब बिजनेस बड़ा होगा तो 21,000 नहीं दोस्तों, 2 लाख 2.25 लाख रुपए आप एक दिन का अर्न करने वाले हैं इसी कारोबार के तहत। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कोई एक गाड़ी ले लीजिए, प्रॉफिट बताता हूँ कि कोई एक गाड़ी ले लीजिए, उसका एवरेज 4 व्हीलर मैं मान के चलता हूँ कि 10 किलोमीटर चलता है वो 1 लीटर तेल में, यानी 10 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से उसका एवरेज है। अभी दोस्तों मैं तेल का रेट 110 रुपये मान लेता हूँ, ऊपर नीचे रेट फ्लक्चुएट हो रहा है इन दिनों, लेकिन मैं 110 रुपये मान लेता हूँ कि 110 रुपये में 1 लीटर तेल आपको मिल रहा है। यानी कि कोई एक कार 10 किलोमीटर चलने के लिए 110 रुपये की वो खपत कर रही है, यानी 1 किलोमीटर चलने के लिए 11 रुपये की जरूरत पड़ेगी उस कार को। 10 किलोमीटर के MPL का एवरेज नहीं होता है दोस्तों, उससे ज़्यादा का होता है, ऑल्टो वगैरह है या छोटी गाड़ियाँ हैं जो सबका ज़्यादा रेट होता है, जो भी हैचबैक गाड़ियां हैं, मिनी होता है, माइक्रो है, उसी के अंदर बड़ी गाड़ियां हैं, लग्जरियस SUV है, सारी गाड़ियां जो है इसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो मैं छोटी गाड़ी की बात करूं तो 20-20 किलोमीटर का एवरेज वो हाईवे वगैरह पे देती है, 15 किलोमीटर का देती है, फिर मैं 10 को ही मिनिमम करके मान लेता हूं, क्योंकि 10 से नीचे तो कोई गाड़ी नहीं देती है जिसको आप ओला के अंदर इस तरह से यूज करते हो। दोस्तों आपको क्या करना है कि कोई ग्राहक 1 किलोमीटर के लिए बुक करें, या 2 किलोमीटर के लिए, या 10 किलोमीटर के लिए, आपको ₹50 रजिस्ट्रेशन फी के रूप में पहले ही जोड़ देना है।
और आप तो जान रहे हैं कि 1 किलोमीटर चलने पर आपको 11 रुपये के तेल को इन्वेस्ट करना है, लगाना है, तो आप क्या कीजिए, 1 किलोमीटर का चार्ज 30 रुपये रख दीजिए ग्राहक के लिए। अब मान के चलिए कि किसी एक ग्राहक ने 10 किलोमीटर के लिए राइड बुक किया है, तो 50 रुपये तो रजिस्ट्रेशन फ़ी के रूप में आप ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। अब 30 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से 10 किलोमीटर का 300 रुपये आप ऐड कीजिए, यानी 350 टोटल होता है। 350 रुपये लेकर के आप 10 किलोमीटर को छोड़ देंगे। 10 किलोमीटर बहुत ज़्यादा दूरी है दोस्तों, चलने के लिए बुक करके गाड़ी 350 रुपये बहुत कम है। आप चाहें तो 30 रुपये को 40 या 50 रुपये भी रख सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। आपने क्या सेट किया है कि जो अर्निंग होगी, आपने राइडर से बात की है, जो ड्राइवर है उनसे बात की है कि जो भी अर्निंग होगी उसका 25% मैं रखूंगा। आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपके एरिया में क्या होगा ये आप तय करें। मान लीजिए अगर 25% रखता हूँ तो 350 रुपये का 25% हुआ 87 रुपया 50 पैसा, यानी 10 किलोमीटर पर आप 87 रुपया 50 पैसा कमा रहे हैं, यानी 1 किलोमीटर चलने पर आप 8 रुपया 75 पैसा अर्न कर रहे हैं। अभी दोस्तों आपने बहुत सारे ड्राइवर्स को अपने साथ अटैच रजिस्टर तो कर लिया, आपने दोस्तों तो 500 से ज़्यादा ड्राइवर्स को अपने साथ रजिस्टर कर लिया, फिर भी मैं मानता हूँ कि एक दिन में मात्र 50 ड्राइवर्स क्या हैं, एक्टिव हैं, और हर ड्राइवर आपके ग्राहकों को मात्र 50 किलोमीटर का एवरेज राउंड लगवा रहे हैं, यानी 50 ड्राइवर्स चल रहे हैं, 50 किलोमीटर का एवरेज राउंड प्रतिदिन लग रहा है, यानी 2500, 50×50 यानी 2500 किलोमीटर एक दिन में आप चलवा रहे हैं अपनी गाड़ियों को। अब 1 किलोमीटर पर आप 8 रुपया 75 पैसा अर्न कर रहे हैं, उस हिसाब से 2500 किलोमीटर पर आप एक दिन में 21,875 रुपये की अर्निंग कर रहे हैं, तकरीबन 22,000 रुपये आप एक दिन में अर्न कर रहे हैं। अगर महीने का जोड़ा जाए तो आप 656,250 रुपये की अर्निंग कर रहे हैं। मामूली रकम है क्या महीना के लिए? आप एक महीने में 6 लाख रुपये कमा रहे हैं, भयंकर राशि कमा रहे हैं। आप मेहनत भी कुछ नहीं कर रहे हैं, एप्लीकेशन बनवा दिए हैं। एप्लीकेशन कहाँ से बनवाएंगे? नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, हमारी कंपनी है इन्फ्राडिक्स टेक्नोलॉजी, उसके माध्यम से आप इस तरह के एप्लीकेशन को काफ़ी कम प्राइस पे बनवा सकते हैं। मैं बताऊं, 7 लाख रुपए में मार्केट में जो एप्लीकेशंस बन रहे हैं, वेबसाइट्स बन रही हैं, उनको हमारी कंपनी मात्र 7,000 रुपए में बनाकर दे रही है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस रेशियो में हम डिस्काउंट दे रहे हैं। तो दोस्तों आपने क्या किया, सिर्फ एप्लीकेशन डेवलप करवा लिए, प्रचार किया है आपने, साल भर रगड़ के प्रचार किया है। जब प्रचार बहुत ज़्यादा हो गया, ग्राहकों के बीच आ गया, सबको मालूम पड़ गया कि ये जो टैक्सी वाले हैं, सर्विस वाले, काफ़ी बेहतरीन सर्विस दे रहे हैं, सस्ती कीमत पर दे रहे हैं, फिर आपकी ओर लोग आकर्षित हो जाएंगे। ओला उबर के साथ एक और नई चीज़, एक नया ब्रांड मार्केट में आ जाएगा। साल भर का, 1.5 साल का, या कभी कभी 6 ही महीना का समय लेकर, 2-3 महीने का भी समय लेकर हो तो ग्रो हो सकता है, आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों प्रति महीने आप 6-6.5 लाख रुपए की अर्निंग करेंगे स्टार्टिंग से ही। अभी 50 ड्राइवर्स ही एक्टिव थे, 50 किलोमीटर चला रहे थे। सोच के देखिए कि जिस दिन 1000 ड्राइवर्स आपके अलग अलग शहरों में हो जाएंगे, और प्रति ग्राहक अगर वो 100 किलोमीटर का राउंड लगाएंगे, तो एक दिन में आप 1 लाख किलोमीटर चलवाएंगे। 8 रुपए के हिसाब से 1 लाख किलोमीटर पर आप कितना अर्न करने वाले हैं, अंदाजा लगा लीजिए, तकरीबन 8 लाख रुपए प्रतिदिन अर्न करने वाले हैं। तो अंदाजा लगाइए कि महीने का 2 करोड़ 2.25 करोड़ आप अर्न करेंगे। ऐसे ही ओला जैसी कंपनी अब बड़ी थोड़े हो गई है, उन्होंने जुनून दिखाया, जज्बा दिखाया, आज बहुत बड़ी हो गई है। तो इसी तरीके से आप भी जुनून दिखाइए, बड़ी खेती कीजिए, बहुत बड़ा इंडस्ट्री डालिए। छोटे छोटे तो आपने बहुत कर लिए हैं, इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है आपका। मेहनत, शारीरिक मेहनत आप जितना करेंगे उतना आगे जाएंगे, क्योंकि एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए तो हमारी कंपनी ने भार ले ही लिया है कि आपको काफ़ी सस्ती से सस्ती, उससे भी ज़्यादा सस्ती कीमत पर आपका एप्लीकेशन बना कर दिया जाएगा। तो दोस्तों नीचे नंबर पे आप कांटेक्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम पे आप जुड़िए आकर मेरे साथ। टेलीग्राम पे जिस दिन 1000 हमारे मेंबर्स जुड़ जाएंगे, उस दिन आप समझिए कि वो टेलीग्राम ग्रुप जो होगा आपको काफ़ी फायदेमंद साबित होने वाला है। संडे को, इसी संडे को मैं 4 बजे शाम में लाइव आने वाला हूँ, तो आप वहाँ भी आकर मेरे साथ जुड़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर बात होने वाली है। आज तक मैं लाइव नहीं आया हूँ, तो उस डेट को मैं 16 तारीख को 4 बजे शाम को लाइव आने वाला हूँ। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, क्योंकि यही माध्यम है हमारा कनेक्ट होने का। दोस्तों अपार शुभकामनाओं के साथ मिलता हूँ अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।